सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज के दिन में जिम से तो मैं सीधा मिल रहा हूँ मैं, और इसलिए क्योंकि मैं कंपैरेटिवली जल्दी उठ गया था, तो मैंने सोचा पहले जिम चलता क्योंकि बारिश आ रही थी। तो अब बारिश रुक चुकी है और जिम भी खत्म हो चुका है। आई हैव जस्ट डन माय सुपर इंटेंस वर्कआउट जिसने एनर्जी ड्रिंक को इम्पैक्ट दे दिया है। आज मैंने थोड़े से आर्म्स मार लिए, मतलब कोई आर्म्स मारे नहीं है मैंने, आर्म्स का वर्कआउट कर लिया भाई मैंने, पर ऐसे ही कहा जाता है यार, इसी को स्लैंग कहा जाता है। हाँ, मैंने आर्म्स मार दिए आज, मैंने बड़े सारे आर्म्स मारे हैं मिलकर। वेल, टर्न्स आउट की बारिश शायद अभी भी आ रही है। अरे लिफ्ट आ गई मेरी, अब घर जाके पहले मैं नहाता हूँ। आज मैंने बिना नहाए व्लॉग ऑन कर दिया भाई साहब, ये बस दूसरी तीसरी बार होगा जिंदगी में कि मैं बिना नहाए व्लॉग कर। जिम गया था ना पहले मैं, तो मैंने सोचा नहाने का क्या ही पॉइंट है। अब नहाता हूँ, तैयार होता हूँ और फिर देखता हूँ कि बारिश बंद होती है या नहीं। वैसे ये दिसंबर जनवरी के टाइम पे मॉनसून का कोई सेंस बनता नहीं है। इस टाइम पे तो यार घूमने जाते हैं, बाहर निकलते हैं लोग, बारिश ही कराए चले जा रहे हैं। क्या बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है यार, और मैंने देखा 85% एरियाज में बारिश का ही आसार है, मतलब आनी ही आनी है। चलो, बारिश का तो मुझे आइडिया नहीं है यार कि कितनी आएगी, कब तक आएगी, मुझे कुछ नहीं पता। मैं वेट करता हूँ, अगले 1-1.5 घंटे तक वेट करता हूँ, अगर तब तक भी नहीं रुकती है या फिर फोरकास्ट में दिखाता है कि भाई उसमें और आती रहना है, तो फिर मैं अपना जाना पोस्टपोन कर दूंगा, क्योंकि ना मेरे पास गाड़ी है और ना मुझे ऐसे मॉल जैसी कवर्ड जगह पे जाना है कि मैं बारिश आ रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आओ चलो चलते हैं। तो अच्छे से हम वो जगह घूम नहीं पाएंगे, तो इसलिए कोई पॉइंट नहीं है। थोड़ा वेट करते, थोड़ा इंतजार करते हैं और देखते हैं किस करवट मामला बैठता है। मुझे भी नहीं पता, मेरे हाथ में ही नहीं है ना, मेरे हाथ में ही नहीं, इंद्रदेव मेरे हाथ में है ही नहीं। सो करंटली द टाइम इज 3:20 और बाहर देखो बारिश जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है भाई, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है ये बारिश। तुम्हें वैसे इसमें से पता नहीं लग रहा होगा। I'ma sit by the place where I'm supposed to be. She's the one, or it's meant to be. बारिश आ रही है भाई साहब, लगातार बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, इसलिए मैं तो छत पे आ गया। देखो, मैंने भी मौसम एंजॉय करना, तुम लोगों को भी दिखाता हूँ मैं कैसा मौसम हो रहा है। ऑब्वियसली ऐसी टाइप का मौसम नहीं है कि भाई बाहर घूमने जा पाए, क्योंकि फिर पूरे भीग जाएंगे, बट लेकिन वैसे बढ़िया यार, छत पे आया जा सकता है। इन्होंने छत पे ये भी लगाया हुआ है, पर कोई इसका फायदा ही नहीं उठाना चाह रहा है। बट ये कैसे फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि ये तो इस सोफे को भी पूरा कवर नहीं कर रहा और इस सोफे को भी पूरा कवर नहीं कर रहा है। बढ़िया बढ़िया, कोई मैगी बना के ले आए तो मजा ही आ जाए, बस छत पे बैठ के अपना शेड के अंदर एंजॉय करें। कुछ नहीं दिख रहा है भाई साहब, पूरा क्लाउडी हेजी मौसम हो चुका है। सामने पहाड़ है पर पहाड़ दिख नहीं रहे हैं। देखो, ज्यादा देर यहाँ ऐसे खड़े नहीं हो सकते भाई, हाफ स्लीव्स की टी शर्ट पहन के आया हूँ, बहुत ठंडा उस हिसाब से, और साथ में ऑब्वियसली बारिश भी आ रही है ना यार, पूरा गीला हो जाऊंगा मैं। बढ़िया, अगर शेड वेड इन्होंने बनाया होता ना, अभी तो पता नहीं कैसा इम्प्रॉपर शेड है, थोड़े लोग वो होते ना, अभी कोई है नहीं, प्रॉब्लम ये है। और फिर कुछ खाने पीने के लिए यहाँ लेके आते हैं और थोड़ा सा शेड होता है तो अपना वेदर एंजॉय कर लेते हैं आज। पर देखो, एंजॉय करने के लिए भी टाइम की जरूरत होती है, थोड़ा बहुत ही एंजॉय कर पाते, क्योंकि आज भी मुझे बहुत ज्यादा एडिटिंग करनी है और मुझे बहुत ज्यादा काम करना है, पर क्या कर सकते हैं यार। मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रहा काम करने के लिए, मुझे तो पसंद ही है, मेरे को बस प्रॉब्लम ये होती है कि मैं व्लॉग में नहीं दिखा पाता उस हिसाब से, मतलब क्या ही दिखाऊं, टाइम लैप्स दिखाऊं कि मैं बैठा हूं, वो तो मैंने दिखाई दिया कल। 3:43 राइट नाउ, एडिट करने बैठ रहा हूं मैं, अभी एक व्लॉग एडिट करना है, उसके बाद मुझे एक अलग वीडियो बनानी है, वो अलग वीडियो सोचनी है, शूट करनी है, फिर उसको भी एडिट करना है। 4:40 एडिटिंग कंप्लीट, लेकिन बारिश भाई अपने फुल जोरों पे अभी भी आ रही है, ये ना यहाँ पे दिखता नहीं है इस बिल्डिंग की वजह से, गति पागल कहीं की। 5 बज चुके हैं शाम के और मैं फिर से उसी पल पे आ चुका हूँ जिस पल पे मुझे डिसाइड करना है कि मैं क्या खाऊं, और मुझे नहीं पता कि मैं क्या खाऊं यार, समझ ही नहीं आता क्या खाऊं, क्योंकि अभी का भी डिसाइड करना है और रात का भी डिसाइड करना है, कुछ बनाने का ना मेरा मन है अभी, ना इतना वक्त है अभी, क्या बना लूं कुछ। ये सब फैसले है ना, ये सब फैसले लेने पड़ते हैं यहाँ पे। गाइस, मैं बोरिंग खाना ही खा रहा हूँ, मैं अपने लिए अंडे बना रहा हूँ, ऑमलेट खाऊंगा मैं आज। अरे यार, ऑमलेट खाने के लिए ना सॉस चाहिए, सॉस जो है वो मैं नॉर्मल वाली नहीं खाता, मैं खाता हूँ ये मैगी की हॉट एंड स्वीट, और एज यू कैन प्रोबेबली सी ये खत्म हो चुकी है, तो अब क्या किया जाए, ये वाली सॉस है फिलहाल, पर ये बहुत खराब लगती है मुझे। अब ऐसा तो है नहीं कि भाग के फटाफट से नीचे दुकान से मैं सॉस ले आऊंगा, ऐसा तो है ही नहीं ना सिस्टम यहाँ पे। क्या मैं फ्रेंच टोस्ट बना लूं अपने लिए, मैंने फ्रेंच टोस्ट काफी टाइम से नहीं खाया, मतलब पता नहीं कितने टाइम से नहीं खाया, 1-2 साल पता नहीं, बहुत टाइम से नहीं खाया, सोच रहा हूँ फ्रेंच टोस्ट बना लेता हूँ, मसाला फ्रेंच टोस्ट बना लूंगा मैं साथ में ये वाली सॉस, जो होगा देखा जाएगा। कुछ इस प्रकार से मेरे फ्रेंच टोस्ट फिलहाल ऑलमोस्ट बन ही चुके हैं, वैसे ऑलमोस्ट की भी क्या ही बात है, बस निकालने अब तो, क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा हो गई गाइस, मुझे भी दीदी 3 अंडे और 4 ब्रेड ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, तो मैं एक दूसरी वीडियो बनाने के प्रोसेस में लग रहा हूँ। फटाफट से सब सामान वामान ले लेते हैं इसका, अभी भी मेरा इसी वीडियो का काम चल रहा है यार, देखता हूँ कब तक इसकी शूटिंग खत्म होती है, इसे एडिट भी आज ही करना है। फिलहाल 8 बज रहे हैं, मेरे पीछे तुम्हें शायद कैमरा दिख रहा होगा, खत्म हो चुका है ये शूट, और अब मुझे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज करनी है जो मैं अभी रिवील नहीं कर सकता, बट ये शूट उसी बारे में था, तो मैं आगे आने वाले ब्लॉग्स में ये चीज पता
चल ही जाएगी। फाइनली जो मेरा काम था वो खत्म हो चुका है। अब मैंने टी शर्ट भी पहन लिया एकदम घर वाली, क्योंकि भाई मुझे फिर से एडिटिंग पे लगना है, मेरे को 3 वीडियो एडिट करनी है यार। अब देखता हूँ कैसे होगा यह सब काम, अभी खाना भी खाना है। करंटली द टाइम इज 9:38 बज रहे हैं, 10:41 हो रहे हैं यार। मैं एडिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, चल ही नहीं रहा है यार। ये देखो कैसा लैग कर रहा है, ऐसा थोड़ी करता था, कभी करता ही नहीं था ये, इतना लैग कर रहा है ये। मैं चाह के भी स्पीड से एडिट नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो मेरी स्पीड है भाई ये अब वो सह ही नहीं पा रहा है। मेरी स्पीड तो बहुत ज्यादा फास्ट है यार, मतलब मैं बटन दबा देता हूँ ये प्रोसेस ही करता रह जाता है, मैं अगले 4 और बटन दबा देता हूँ ये प्रोसेस ही करता रह जाता है। ऐसे में कैसे 3 वीडियो एडिट होंगी भाई, 10:40 हो रहे हैं अभी, पहली वीडियो चल रही है। तो मैं बहुत परेशान हूँ यार, ये चल ही नहीं रहा है यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। ये नहीं अटकता था ऐसे पहले के जमाने में, मतलब ये इतनी टुच्ची नॉर्मल कैमरे से शूट हुई भाई वीडियो है, 1080 है, कुछ भी नहीं है इसमें, क्या ही फुटेज है, पता नहीं क्यों अटक रहा है, कोई सेंस ही नहीं है इसका अटकने का। ऐसे इस पे हमने 4K फुटेज भाई 2-2 घंटे की एडिट कर रखी, इस पे हमने काफी लोड डाला है, लेकिन तब भी ये ऐसी हालत में तो नहीं था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है इसमें, समझ नहीं आ रहा है मुझे। इतनी टुच्ची फुटेज को तो एडिट कर नहीं पा रहा भाई, ये लैग ही हो ही चले जा रहा है। फाइनली ये जितना भी लैग हुआ भाई मैंने हरा दिया तुझे भाई, होता रहा लैग, मैंने कर दी भाई, मैंने एडिटिंग कंप्लीट कर दी है। वो अलग बात है कि अभी 11:34 हो रहे हैं, अभी मुझे 2 और वीडियो एडिट करनी है। मैंने डिनर नहीं किया, लेकिन ना मुझे भूख लग भी नहीं रही है सच, अभी मैं इतने काम में हूं ना, जब मैं काम में होता हूं ना तो मुझे भूख नहीं लगती है। इसके मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जब मैं बचपन से कोई भी ऐसे मूवी वगैरह बना रहा होता था, जब लोगों को इकट्ठा करके जब प्रॉपर बनाते थे व्लॉग, प्रॉपर कुछ बनाते थे, तो मैं पूरे दिन कुछ नहीं खाता था जब तक शूट कंप्लीट नहीं होता था। तो ऐसे में मैं खाना वाना सब भूल जाता हूँ, फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अभी मुझे बस ये वीडियो एडिट कर लिया, अभी मुझे 2 और वीडियो एडिट करनी है, उसके बाद ही देखूंगा मैं कि क्या खाना है और खाना भी है या नहीं खाना है।